NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को. NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी. दिल्ली मेट्रो की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक छतरपुर में तकनीकी खराबी के चलते सुल्तानपुर और कुतुब मीनार के बीच ट्रेन कुछ देर के लिए बंद हो गई थी, जिससे हजारों की संख्या में यात्री परेशान हो गए थे. बता दें कि इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप होने में DMRC सुल्तानपुर और कुतुब मीनार के बीच फीडर बसों का संचालन कर रहा है. वहीं मंगलवार सुबह यानी कि आज मजेंटा लाइन रूट के अंतर्गत बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर तकनीकी खराबी के चलते सिर्फ एक गेट खुला, जबकि बाकी गेट बंद कर दिए गए. बता दें कि इससे मंगलवार यानी कि आज सुबह पीक ओवर में नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली जा रहे यात्रियों को काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ी. यहां पर बता दें कि पिछले 4 दिनों के मजेंटा लाइन रूट दूसरी बार ऐसा हुआ है जब यात्रियों को भारी दिक्कत पेश आई है. गौरतलब है कि ओखला NSIC स्टेशन उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो ओखला फेज 2 फेज 3 से काम करते हैं. इसके अलावा ओखला मंडी जाने वालों के लिए, कालकाजी मंदिर जाने वालों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है. और सुबह के वर्किंग के टाइम पर इस तरह के फिर से एक गेट का चलना लोगों के लिए मुसीबत और दर्द का कारण बना हुआ है, जिसे लोगों का गुस्सा भी फूटा है. इससे परेशान यात्रियों की स्टेशन स्टाफ के साथ नोकझोंक और बहस भी हुई है. बता दें कि ये परेशानी से जूझ रहे यात्रियों के सामने सबसे बड़ा संकट मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलना रहा. खासकर एक ही गेट खुला होने के चलते मेट्रो स्टेशन पर अफरा तफरी की स्थिति रही. मजेंटा लाइन पर सिग्नल के खराबी के कारण शनिवार 18 मई को करीब 2 घंटे तक मेट्रो का परिचालन प्रभावित रहा. इस वजह से सुबह के वक्त जनकपुरी पश्चिम में एयरपोर्ट टर्मिनल 1 दक्षिण दिल्ली व नोएडा के बोटेनिकल गार्डन की तरफ जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. इसके साथ ही आपको बताते चले कि ब्लू लाइन की तरह मजेंटा लाइन पर भी तकनीकी खराबी के मामले अधिक देखे जा रहे हैं. यह भी जब इस कॉरिडोर पर मेट्रो का परिचालन शुरू हुए अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ. बता दें कि करीब 38 किलोमीटर लंबे इस मेट्रो कॉरिडोर पर 2 चरणों में मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ था. तो वही कालिकाजी से बोटेनिकल गार्डन के बीच 25 दिसंबर 2017 को परिचालन शुरू हुआ था. इसके साथ ही आपको बताते चले कि कालिकाजी से जनकपुर पश्चिम के बीच मई 2018 से परिचालन शुरू हुआ था. बता दें कि इस कॉरिडोर पर अत्याधुनिक सिग्नल सिस्टम CBCT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेन कंट्रोल का इस्तेमाल किया गया है. तो वही दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी कि DMRC के अनुसार सुबह 7 बजे जसोला मेट्रो स्टेशन पर सिग्नल में खराबी आ गई. इसकी वजह से मेट्रो की रफ्तार थम गई. DMRC का कहना है कि सिग्नल में खराबी से ओखला से बोटेनिकल गार्डन के बीच परिचालन प्रभावित हुआ, जबकि यात्री कहते हैं कि पूरे कॉरिडोर पर परिचालन प्रभावित रहा. इस बीच स्टेशनों पर काफी देर तक रुक रुक कर मेट्रो ट्रेनें चल रही थी. दरअसल आपको बता दें कि सुबह 8:55 पर परिचालन सामान्य हुआ. फिलहाल अब तक के लिए इतना ही. लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट.